हेलो दोस्तों, राकेश यूपी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम यूपी प्रयागराज के श्रृंगेरपुर धाम का व्यू करने चल रहे हैं। ये हमारे ज्येष्ठ सामने श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की एक मूर्ति स्थापित है और हम ज्येष्ठ श्रृंगेरपुर धाम पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, इस समय हम धाम पर आ गए हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि अति प्राचीन एक मंदिर है। आज हम उसी मंदिर का व्यू करने चल रहे हैं। राजा दशरथ जी को पुत्र रत्न प्राप्त के खातिर यहीं पर यज्ञ कराए हुए थे। श्रृंगेर ऋषि जी के द्वारा श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चार पुत्र की प्राप्त राजा दशरथ जी को हुए थे। यह मंदिर अति प्राचीन एवं यहाँ पर बहुत भव्य एवं बहुत खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर आज देवी देवताओं की कई मूर्ति स्थापित है, लेकिन जो यहाँ का मेन मंदिर है वहाँ का व्यू तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित जहाँ है, हम सबका पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ लगी हुई है, सीढ़ियों के माध्यम से लोगों का आवागमन रहता है। हम जिस समय आए हुए हैं तो यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर अभी एक दो लोग ही दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों पर तिरपाल जैसे बिछा दिया गया है कि जिससे लोगों का पैर ना जले। अब जस्ट हम ऊपर चल रहे हैं, मंदिर के पास पहुँच आए हैं। यहाँ पर देखिए मंदिर की साफ़ सफाई धुलाई अभी किया जा रहा है। हम मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए श्रृंगेर ऋषि की मूर्ति हमारे सामने और बीच में माता जी और ज्येष्ठ दाएं साइड माता शीतला माँ की मूर्ति स्थापित है। अब यहाँ से हम निकलकर मंदिर के दूसरे किनारे पर चलते हैं जहाँ पर और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर देखिए ज्येष्ठ हमारे बाएं साइड में बजरंगबली की मूर्ति स्थापित है। देखिए यहाँ पर, और यहाँ से हम दूसरी जगह आने पर यहाँ भी देखिए बजरंगबली की यहाँ पर तीन मूर्तियाँ स्थापित किया गया है। और दूसरे किनारे पर देखिए कितना सुंदर मंदिर का व्यू दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम और आगे चलकर और देवी देवताओं की मूर्ति जहाँ पर है वहाँ का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए लोगों, बहुत धूप है इस समय। यहाँ पर श्री भोले बाबा कितना खूबसूरत व्यू, बगल में नंदी। अब यहाँ से हम निकलकर और आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर यह मंदिर जस्ट हमारे गंगा नदी के किनारे से लगा हुआ है, ये देखिए। और जस्ट हमारे दाएं साइड माँ गंगा नदी। इस समय तो गर्मी के सीजन में जल का स्तर बहुत कम है। जब बरसात होती है तो जल स्तर जब खूब बढ़ता है तो यहाँ देखने बनता है। यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर है। यहाँ पर देखिए घाट माँ गंगा नदी के पूरे पक्के बने हुए हैं। दोस्तों, अगर इस मंदिर के विषय में जानकारी देने का मेरा तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।